ध्यान देने का विषय है, बच्चे अगर बचपन में आपका साथ पा रहे हैं तो बुढ़ापे में भी आपका साथ देंगे। आप कहोगे बचपन में तो पाते ही हैं व्यास जी, मैंने कही नहीं। किसने कहा? ध्यान दीजिएगा, 85 चौक की हवेली है माता यशोदा की, 9 लाख गायें हैं मां के यहां। कितनी? 9 लाख, जिसमें लाला के जन्म होने की खुशी में 2 लाख गौओं का दान किया था बाबा ने, तो अब 7 लाख है। और जब दान किया तो, और जब से 7 लाख रह गए, इन 7 लाख गौ माताओं की सेवा करने के लिए कम से कम 7 हजार न सही 3 हजार तो नौकर चाकर चाहिए। लाख की बात है जहां, वो भी 7 लाख गौ माताओं की सेवा करने के लिए 1000 तो चाहिए ही होंगे। चलो 3 हजार अगर मैं ज्यादा भी कह रहा हूं फिर भी कम है, लेकिन आप 1000 ही मान लो। 85 चौक की अगर हवेली है तो वो एक दो आदमी से साफ नहीं होगी, उसकी पवित्रता, उसकी साफ सफाई करने के लिए नौकर कम से कम 400-500 चाहिए, 300 चाहिए, 200 तो चाहिए ही, जो पूरे महल की रखवाली करे, महल की देखरेख करे। सबकी मिला के कह रहा हूं, 9 माता यशोदा के महल में इतना ऐश्वर्य है कि वसुदेव जी ने जब प्रभु को कल रात्रि माता यशोदा यानी जन्म की रात्रि को माता यशोदा के पलने में छोड़ने के लिए गए तो वर्णन आता है कि द्वार पर लगे मणि माणिकों को देखकर वसुदेव जी मूर्छित होने वाले थे। इतना ऐश्वर्य है, द्वार जिसके स्वर्ण आदि मुद्राओं से सजे हैं, मणि मोती माणिकों से सजे हैं, मेरे नंद बाबा गोकुल के राजा हैं। प्रेम से बोलो, राजा होने के बाद नंद बाबा और माता यशोदा हजारों हजार दास दासियों के बीच रहने वाली, नौकरों के बीच, कदाचित नौकरों को आश्रय दिया है महल संभालने के लिए, उनकी सेवा अलग है, उन्हें भी प्रेम के साथ रखती हैं, लेकिन लाला की सेवा स्वयं करती है। सबसे बड़ी बात, मेरा है मैं करूंगी, तुम्हारा है तुम करो। हमारे यहां तो बालक जब जन्म लेता है तो बालक के जन्म लेने के साथ साथ, सुनिए ना भाभी जी, आपके आशीर्वाद से, हाँ हाँ लाला हुआ है, हाँ हाँ, अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, लाला हुआ है, आपको भी बधाई। नहीं, वो जरा पूछना ये था कि कोई मेरे लाला को देखने के लिए कोई अगर आया मिले तो बताना, कोई अगर मिल जाए तो बताना ना कोई। हाँ हाँ, हम पैसे की बात तो कर लेंगे, क्या है, मैंने जन्म ही तो दिया है, बाकी तो सब सेवा उसी को करनी है। मेरा काम था जन्म देकर के सास ससुर को उनके हाथ में उनका पोता दे देना, बस। पति को एक पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, मेरा काम तो बस बस यही करने का है कि जन्म देने के बाद मैं एक जन को फोन करके बुला लूं और वो मेरे लाला को देखे। पीछे से मैं बाहर जाऊंगी तो वो देखेगी, मैं थोड़ी ना देख सकती हूं। ना ना ना, ना। प्रेम से बोलो, मैं मना नहीं करता,
लेकिन एक बात मुझे बताइए, दरकार क्या है? साधारणतया एक औरत या एक कन्या का जब विवाह होता है, जब वो विवाहित हो जाती है, जब वो वधू बन जाती है, आपके घर की लक्ष्मी बन के आती है, साधारणतया उनकी आयु 25 से 30 होती होगी। कम से कम ऐसी तो है ही कि वो एक बालक का पोषण शारीरिक स्वस्थता को देख करके, शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए कर सकती है। माता यशोदा के यहां तो बुढ़ापे में हुआ है, माता यशोदा के यहां लाला तब हुआ है जब व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता कि होगा, होता तो है, आज भी हो सकता है, बुढ़ापे में किसी को होता ही है, लेकिन हर किसी के नहीं होता, हर कोई करता भी नहीं है, चाह भी नहीं, अरे भाई समय है। लेकिन जिस समय आपके यहां लाला होता है, वो समय आपका, आपके शरीर के लिए एक ऐसा समय है कि आप परिश्रम कर सकते हो, आप उस लाला को दुग्धपान करा सकती हो, आप उस लाला की सेवा स्वयं अपने हाथ से उसके चरणों की मालिश करके कर सकती हो, आप उस लाला को कहीं भी गोद में उठा के ले जा सकती हो। माता यशोदा स्वतः दही बिलोती, लाला के भोजन की व्यवस्था स्वतः मां करती, लाला के दूध की व्यवस्था जो 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 पद्मगंधा नामक एक गैया, एक उसी के द्वारा हमारे श्रीमान जी दुग्धास दुग्ध का पान करते, उस दूध की सेवा भी माता यशोदा खुद करती है। उस आया के आते ही आप लोग अपने बटुए को तो अलमारी में रख देते हो और अपने पुत्र को उस आया के हाथ में दे देते हो, ले जाओ, ये विश्वास नहीं है उस आया पे कि ये मेरे पैसे ले जाएगी कि छोड़ जाएगी, लेकिन अपने पुत्र को दे रहे हो और ये विश्वास है कि वो आपके पुत्र का ख्याल रख देगी। प्रेम से बोलो, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये काम करने वाली जो भी है वो गलत करती है, क्या तो फिर आप पर्स भी मत छिपाया करो उनसे, फिर तो सही है। आप अगर पर्स नहीं छिपाओगे, आप अगर अपने घर की तिजोरी खुली रख सकते हो, तब आप अपने लाला को दो, अगर इतना विश्वास आ गया है तो जरूर दीजिए, लेकिन अगर आप अपने घर की, हाँ घर की अलमारी बंद करना वो काम कर रही है, जरा कमरे में देखना वो झाड़ू मारने गई है, तुम कमरे में जाओ एक बार, हम कहते हैं ये, और उसके बाद हम क्या करते हैं अपने ही ला, अरे सुनो ध्यान रखना भोजन का, इसका सब कुछ का, क्या पता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ गलत होता होगा या कुछ गलत वो करती होंगी, लेकिन अगर आप अपने अगर पर्स को भी उनके सामने खुला रख सकती हो, तिजोरी भी खुला छोड़ सकती हो, अगर कमरे में किसी को भेजोगी नहीं, उसके जाने के साथ साथ अपने लाला को दीजिए आप, लेकिन मैं कह रहा हूं जरूरत क्या है, क्या तो अगर आप कर रहे हैं ऐसा तो एक बात याद रखिए, जब वो बोलने की स्थिति में नहीं है, आज चलने की स्थिति में नहीं है, आज कुछ करने की स्थिति में ज्यादा नहीं रहता, केवल रोता है, सोता है, खेलता है, कुछ कुछ बोलता है, फिर सो जाता है, और जब उस स्थिति में आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो जब आप नहीं चल पाएंगे कभी आगे आने वाले समय में, जब आपको बोलने में कष्ट होगा, जब आपको कुछ करने में कष्ट तकलीफ होगी, तब वो आपका साथ क्यों दे, क्यों? बालकों से उनके बचपन को अगर आप इस प्रकार से छीनोगी माताओं, तो वो आपके बुढ़ापे को आपसे क्यों न छीने। प्रयास करो कि आपके अपने स्वतः अपने हाथों से आप अपने लालाओं की सेवा कीजिए। अगर किसी और के भरोसे है तो संस्कार भी किसी और के ही जाएंगे।
अपने हाथ से गासिया कम खिला रही हैं आजकल माताएं अपने बच्चों को, जितना वो आया खिला के जा रही है। पता है, बात करती हैं आप कि हम अपने लाला की सेवा करती हैं। अगर आपका विश्वास उनके प्रति ऐसा है कि इसको अगर मैं अपने घर में बुला रही हूं और ये कदाचित मेरे घर का एक रुपया नहीं मारेगी, एक रुपया नहीं चुराएगी और मैं अपने घर की तिजोरी खुली रख सकती हूं इसके सामने, तब आप अपना लाला दीजिए। परंतु अगर आप ऐसा नहीं सोचती हैं तो आप अपने लाला को कैसे दे सकती हैं किसी अविश्वसनीय मनुष्य को अपने हाथ में? उसके हाथ में आप अपने लाला को दे रहे हैं जिसपे आपको एक पैसे का तो विश्वास नहीं है लेकिन पुत्र का है, कहां की सोच है पता नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी वाणी से माता यशोदा सिर्फ ठाकुर जी का नाम ही बोलती है। कन्हैया कन्हैया क्या कर रहा है, कन्हैया कहां है, यहां पे आ कन्हैया, यहां तो आ लाला, इधर आ। और कर्मणा, क्रियाएं जो भी हो रही हैं लाला के लिए, क्रियाएं जो भी हो रही हैं कन्हैया के लिए, खुद कर रही हैं। मनसा मन में काम भले ही दही बिलो रही है लेकिन अरे लाला कहां है, हाँ लाला, दही बिलो रही है ध्यान लाला पे है, भोजन कर रही है लाला ने कियो का, लाला सोरो है ना पल्ला में, जरा देख के आ सखी, देख ने लाला सोर, भोजन कर रही है ध्यान लाला पे है। मनसा वाणी से केवल कन्हैया का नाम, वाचा और हाथों से केवल कन्हैया के लिए सेवा, कर्मणा, तीन पद्धतियां हैं भक्ति की। मन से उसका स्मरण कीजिए, वाणी से उसका नाम लीजिए, कर्म ऐसे करो जो उनसे जुड़े हों। माता यशोदा करती है,